सभी दर्शकों को जय माता दी। हम पहुंचे हैं रानी के बाग सिद्धि विनायक मंदिर जी में। यहां पर जो 24 जुलाई को श्री दुर्गियाना कमेटी के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष में जो दुर्गियाना कमेटी के महासचिव थे अरुण खन्ना जी, उनकी तरफ से यहां पर मीटिंग रखी गई है। दुर्गियाना के इतिहास में एक नए युग का सूत्रपात हुआ और सेवा के कार्य में एक नई क्रांति की जाएगी। अब मैं प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, खत्री और सिंपलपूर्ण हमारे अपने जो कि अखिल भारतीय खत्री सभा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हैं और एक तरह से हमारी खत्री सभा के भी उनके संरक्षण में ही सारे कार्य होते हैं। क्या आवश्यकता आ पड़ी कि इतने लंबे समय से दुर्गियाना में चुनाव हाथ खड़े करके होते थे और आज ये पैनल के द्वारा चुनाव हो रहे हैं। क्या कारण थे कि दुर्गियाना में इतनी डेवलपमेंट करने में अपना हिस्सा डालने के पश्चात भी क्यों तालमेल की कमी की वजह से हमारे श्री खन्ना जी को क्या समस्याएं आ रही थी? तो बेटी को, श्रीमती को, बच्चों को लेके जाते हैं, यही याद नहीं लेके आए। और आप लोग तो सदस्य हैं, को जय माता दी। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं जो पूर्व सेहत मंत्री लक्ष्मीकांत चावला जी है। अमृतसर की आन और शान 50 साल से ऊपर हो गए हैं इनको राजनीति में। सबसे जो साधारण इनका जीवन है, आपने बड़े बड़े एमएलए और मंत्री देखे होंगे जो लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में। इनका जो साधारण जीवन है, छोटा सा मकान है। इन्होंने इतना संघर्ष किया है आम लोगों के लिए। आज जो श्री दुर्गियाना तीर्थ में 24 जुलाई को चुनाव होने जा रहे हैं, उनके लिए प्रधानगी के पद पर ये मैदान में उतरे हैं। आओ उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, पहले तो तुहानू बहुत मुबारक। शायद लोग सारे जा बहुत मुबारक जी, तुम चुनाव लड़ रहे हो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सारे अमृतसर वासियों नू, पंजाब वासियों नू एक निवेदन करना चाहनी हाँ कि दुर्गियाना तीर्थ साडा उत्तर भारत का, हिंदुस्तान का एक विख्यात केंद्र बने, भगती ते शक्ति दा केंद्र बने, सेवा दा केंद्र बने और संस्कृत पठन पाठन और भारत दे विच संस्कृत दा जिहड़ा प्रचार प्रसार बहुत घट गया है उहदा एक केंद्र बने। असीं चाहवांगे कि साडे जिहड़े जिहड़े विद्यार्थी संस्कृत पढ़नगे उहनां दा सारा खर्च जिहड़ा संस्कृत पढ़न पढ़ाउण दा उह दुर्गियाना कमेटी करेगी। और अपने जिन्ने साडे कर्मचारी है ते बहुत दुखी है, थोड़ा वेतन है, मैनू जो जानकारी मिलती है, मैं कर्मचारियां ही बैठती हाँ, उन्होंने बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेवारी और दवाई की जिम्मेवारी असी लवेंगे। और सारे अमृतसर वालों को कहना है कि इन्हें ऐसा तीर्थ बना दो कि हिंदू समाज से कि कोई संकट आता है, समाजिक संकट है, धार्मिक संकट है, तो सारे हिंदू समाज दुर्गियाना तीर्थ की एक आवाज़ से अगे आ जाए और जिहड़ी जागरूक कौम हुंदी है उहदे ते कोई जुलम भी नहीं कर सकता। असी अपने समाज का रक्षा कवच बन के खड़े होना है, धर्म का केंद्र बनना है, सेवा का केंद्र बनना है। लंगर असी पहले तो बहुत वधिया बनावांगे, भोग भंडार दे नाल भोजन भंडार चलावांगे और धर्मशाला ज़्यादा बना के आए गए यात्रियों की सेवा करांगे ताकि पूरे हिंदुस्तान के यात्री इत्थे आन, साडे कोल रहन और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करन। ਤੁਸੀਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਈਏ ਵੋਟ ਡਾਲੀਏ। ਅਬ ਸਮੇਂ 9 ਸੇ 5 ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਉਨਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਨਕੋ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਵਾਹਨ ਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਹਮੇਂ ਵੋ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਚਾਹੀਏ ਉਸਕਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਗਾ ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਤਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਗਾੜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣੇ ਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹਮ ਕਰਵਾਏਂਗੇ ਔਰ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਡਾਲੇ। अगर उनको दुर्गियाना तीर्थ से और अपने धर्म से प्यार है तो वोट जरूर डालें। तुसी राजनीति 50 साल राजनीति दी इस पार्टी लिए सेवा की है, हुण तुसी धर्म वास्ते आए हो, कोई गलत काम हो रहा सी दुर्गियाना मंदिर? अरे भाई, राजनीति
धर्म तो बगैर राजनीति नहीं हो सकती। राजनीति भगवान कृष्ण जी तो बाद किने करनी है, राजा राम भी तो राजनीतिज्ञ थे। जनता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है और अपनी धार्मिक परंपराओं को नई पीढ़ी को पहुंचा देना यही सबसे बड़ा धर्म है। आज क्या हालत हो गई, मैंने हकीकत राय के बारे में पूछा, 20 लोग बैठे थे, एक नहीं बता पाया। वीर हकीकत राय ने हिंदू धर्म के लिए सिर कटवाया, अपने धर्म के लिए। जब नई पीढ़ी ये नहीं जानेगी तो वो क्या त्याग करेगी, क्या देश की, क्या धर्म की सेवा करेगी। दुर्गियाना मंदिर एक, जिसको हम अपने पंजाबी च कहने हैं, चानन मुनारा बनेगा, धार्मिक कृत्यों का भी, सेवा का भी। उन्होंने कहा असी बड़े विकास कार्य किए हैं, मैं होर ही कुछ कह रहे हैं, वो कह रहे जी खन्ना बारे, खन्ना जी बारे इन्होंने बेटी का विआह से मिठाई लै गए हैं अज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। ख्याल है जिन्हें अपनी ऐनक मैली होंगी है ना, उन्होंने सारे मैले दिखाई देते हैं। असी इस करके किसी तो कोई आरोप नहीं लगाना, इस रमेश जी के परिवार बारे लोग पिछले 50 साल तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं रमेश जी की धन्यवादी हाँ, मैनू सरप्रस्त बना के मंदिर च लैके गए, मेरे को कानूनी सहायता ली थी, पुलिस प्रशासन की ली थी। हूँ अज चुनाव आ गया तो कीचड़ उछालो, ये कोई MP MLA का चुनाव है, ये तो धार्मिक तीर्थक है। होना तो ये चाहिए था कि वो सर्वसम्मति से कहते आओ भाई अब मैंने बहुत काम कर लिया, तुम लोग संभालो। कोई स्वार्थी है तो उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, जरूर लड़ूंगा, और उन्होंने तो हिंसा की भी धमकी दे दी है। लेकिन यहाँ कोई हिंसा से घबराने वाला नहीं। आपको बता दूं, मुझे बुला करके अरुण जी आदि ने कहा कि वो कहता उसके मुकाबले कागज़ भरने को कोई तैयार नहीं। मैंने कहा अगर कोई तैयार नहीं तो फिर मैं तैयार हो जाती हूँ, डरना, हमने आतंकवाद की लड़ाई लड़ ली ये क्या है। इसलिए हम चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है ये संस्कृत का केंद्र होगा, धर्म का केंद्र होगा, सेवा का केंद्र होगा। और दूर दूर से आने वाले लोग, आज गूगल में हम 10 नंबर पहले में नहीं हैं, हम पहले नंबर पर क्यों ना पहुँचे अमृतसर में, ये अमृतसर नहीं बल्कि पूरे पंजाब में हम सेवा करेंगे। और भगवान कृष्ण जी ने भी यही कहा कि कर्मण्येव अधिकारस्ते, तुम्हारे हाथ में कर्म है, फल भगवान देगा। हमारे साथ हैं श्री दुर्गियाना कमेटी के जो महासचिव थे अरुण खन्ना जी, 24 जुलाई को चुनाव है, इनसे बातचीत करते हैं। हाँ जी सर, तुम फिर दोबारा महासचिव दे पाते उतरे हो, की वोटरों नू मैसेज देना चाहोगे? देखो जी, ऐसा है पिछले 7 साल तो जो जिम्मेदारी ठाकुर जी ने और साढ़े वोटर ने दी सी, जितनी प्रभु ने शक्ति दिती और प्रभु ने जितनी बुद्धि दिती वो असी की है। और क्योंकि जरा काम ठाकुर जी ने सौंपया सी, काफ़ी हद तक कम पूरा होया। न्यू अमृतसर की जमीन सी वो भी छुड़ा के जी असी लिया है। फिर सब तो वड्डी गल जी मैं सब तो सुकून है जरा कि नवी पीढ़ी नू दुर्गियाना मंदिर दे नाल जोड़िया, जिहड़ा कि टुट चुका सी, अज 30,000 लोगों नू रोज़ दर्शन जांदे है। और उहदे नाल नाल जिहड़ा है उस दिन का महत्व की है, त्यौहारां का साइंटिफिक वैज्ञानिक महत्व की है, ये करके जिहड़ा नौजवानों नू है, कई बार मैं जानबूझ के गलती करना उहदे विच ते उह मैनू फोन आ जांदे 10-20 कि जी है कि किस तरह इहदा मतलब वो लोग पढ़दे है, तो ये मैनू बहुत तसली है। देखो गल ऐसा होंदा है, जदों कम करदे है विरोध भी होंदा है, एलीगेशन भी होंदे है, जिसने एलीगेशन लगाना एलीगेशन लगाए, कोई दिक्कत नहीं। ठाकुर जी बैठे, असी किसी की लकीर छोटी नहीं करनी, अपनी लकीर वड्डी करनी। खन्ना जी इन्नी कि मतलब कि आ गई कि इन्नी कि भी हद हो गई कि बैलेट पेपर के अस चुनाव हो रहे, कहिंदे कि इस बार जो चुनाव है बहुत ही अलग तरह के हो रहे हैं दुर्गियाना कमेटी के, मतलब साढ़े सनातन धर्म की जे है ना जो निरा, मतलब ऐसा है कि सनातन कोई, देखो ऐसा है दुनिया बदल रही है, दुनिया चेंज हो रहा, दुनिया के ट्रांसपेरेंसी आ रही है। अज तुसीं कोई भी लुक छुपा वाला काम नहीं रह गया, कंप्यूटराइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया। फिर भी असी हुण मैं चार दुर्गियाना कमेटी के 4 इलैक्शन मैनेज किए, हद खड़े हो गए होंगे सी, बड़ी मेहनत करनी, सब नूं संपर्क करना, बड़ी मुश्किल दे नाल कोरम तो 2% 5% 3% 5% उपर लोग आते सी, 1/5 का कोरम, यानी बहुत सारी संख्या जिहड़ी है वह आती नहीं सी। क्यों ने यार की करना, उत्थे जा के इन्होंने आपस फैसला तो किया ही होया, यानी उही पहुँचो के घूमते सीगे। आम जिहड़ा सदस्य है, आम जिहड़ा मैंबर है, उसका भाव की है, उसका मन की है, वह तो कभी जाने नहीं गया।
फिर जो असी इन्होंने सालों के टैनर च मैं खुशी है ठाकुर जी के उत्ते मैं पूर्ण मैं उन्होंने शुक्रगुजार हाँ कि बहुत अच्छी टीम असी 90 की जी नौजवानों की खड़ी की जी सेवा च लगी और उन्होंने कहा भाई नौजवान है नौजवान तरीके सोचता है उन्हें क्या भी घर घर जाके मैंबरों को पूछा कि भी किस तरह होना जी सब ने कहा भाई बैलेट तो किस जमाने खड़े हो तुम जमाना बीत गया वो जोड़ा है वो 500+ लोगों ने रिटर्न सानू दस्खत करके भेजा कि चुनाव बाय बैलेट होना चाहिए और बहुत अच्छी गल सी अज देखो अज उत्सव है ये कोई इलेक्शन थोड़ा है मैं इन चुनाव मानता ही नहीं मैं तो ठाकुर जी का उत्सव मानना इनू और जिहड़े हाँ जी रमेश शर्मा जी कह रहे हैं कि जिहड़े ए चुनाव हो रहे हैं ना मगर कभी राजनीतिक पार्टी चुनाव के विच नहीं उतरे सी कि इस बार राजनीतिक पार्टी चुनाव च उतरे नहीं कोई मैं तो कभी राजनीति की नहीं ना तो मैं राजनीति पार्टी का मैंबर हाँ ना वो लक्ष्य वो राजनीति छड़ चुके हैं कोई राजनीति छड़ चुके हैं तो उ रमेश शर्मा जी ने इन्हों पैटर्न बनाया सी उन्होंने दस्खत है तो उन्होंने राजनीति छड़ के आप विषय के नहीं है वो पैटर्न बने हर एक का धार्मिक अधिकार है होर भी तुहाडे बारे बड़ा कुछ अज गल करने उन्होंने असं झोली अड्डा मैसेज देना चाहते मैं दीपक राय मेरा उपाध्यक्ष खत्री सभा उची उची बड़ा शुरू करो नहीं नहीं उची बोलो बस कोई गल नहीं रीडिंग हुई नहीं आज हमारे खत्री सभा के कार्यालय 130 रानी का बाग में हमारे शहर की शान सादगी की प्रतिमूर्ति ईमानदारी की प्रतिमूर्ति पूर्व मंत्री बहन प्रोफेसर खत्री गौरव से सम्मानित बहन लक्ष्मीकांता चावला जी जो श्री दुर्ग्यारा कमेटी के चुनाव अध्यक्ष पद के लड़ रही हैं अपना समर्थन लेने के लिए हमारे कार्यालय में आई बहन लक्ष्मीकांता चावला एक ऐसा व्यक्तित्व है एक ऐसा सिरमौर औरा है कि उनको वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है सदैव ही सादगी ईमानदारी और बेबाकी से जब भी समाज को पीड़ितों को किसी भी प्रकार की उन्होंने आवाज सदैव बाबुलंदी से उठाई है चाहे वो समाचार पत्र के माध्यम से हो या किसी और माध्यम से उग्रवाद के दौर में भी उन्होंने पीड़ितों के लिए गांव-गांव में जाकर कार्य किया है आज उन्होंने जो ये अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है कुछ पद लोगों को सुशोभित करते हैं कुछ पदों से लोग सुशोभित होते हैं इनका इस पद पर आना ही इस पद को सुशोभित करना है इनका अध्यक्ष पद पर चुनाव के लिए लड़ना ही इस बात का द्योतक है कि इनको शहरवासियों ने हर मूल्य में इनका साथ देना है और 24 तारीख को 9 बजे से 4 बजे तक जो दुर्गाना के चुनाव हो रहे हैं खत्री सभा अमृतसर इनका पूर्ण समर्थन करती है।